नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के गाजीपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को गाजीपुर के आरटीआई मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। पीएम गाजीपुर में महाराज सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करेंगे, साथ ही गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री आरटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के राज्यपाल राम नाईक, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा समेत यूपी कैबिनेट के मंत्री आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में भारी भीड़ जुटने की संभावना के मद्देनजर पेयजल और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है और पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के बड़े प्रबंध भी किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। पीएम के कार्यक्रम के दौरान 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के 8 एसपी, 16 एएसपी और 30 सीओ सुरक्षा की कमान संभालेंगे। कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएससी और होमगार्ड्स के जवान भी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और करीब 1.25 घंटे जिले में रहेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम दोपहर 1:15 पर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। आप देख रहे हैं गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कल 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आरटीआई मैदान में होने वाला है। इसको लेके बाहरी जनपदों से हमें पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल हमें मिला हुआ है और साथ साथ हमारे जो मुख्य विभाग है जैसे पीडब्ल्यूडी है उनके द्वारा और पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा मंच स्थल और सभा स्थल में लगभग तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं। हमारे स्तर से जो लोग इस जनपद से और अन्य जनपदों से आएंगे उनके लिए पर्याप्त पार्किंग का सुविधा दिए हैं और आईटीआई मैदान में, बड़ी बाग में, पॉलिटेक्निक में, लंका मैदान में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मकबरा है उसके बगल में, काफ़ी शाहजहानंद में काफ़ी भी पार्किंग का व्यवस्था दिए हैं। इसको हमने पहले से लोगों को बताए भी है और जनपद में अभी हेवी ट्रक्स की जो मूवमेंट को काफ़ी नियंत्रण में रखे हैं और जो भी मुख्य चौराहा हैं और रास्ते में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी रैली के लिए आएंगे और पीने के पानी, मोबाइल टॉयलेट्स के भी पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने किए हैं। 60 टैंकर पानी का व्यवस्था किए हैं, सभा स्थल में भी पानी दे रहे हैं और मोबाइल टॉयलेट्स भी रास्ते में और पार्किंग स्थल में और सभा स्थल में पास रखे हैं। अन्य जनपदों से मांग के हम लोगों ने रखे हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी रैली के लिए आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सुनने का, देखने का एक अच्छा अवसर उनको मिले और सबको यहाँ एक अच्छा मौका देने के लिए हम पूरे स्तर से व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।